विश्वविद्यालय और देश भर के विश्वविद्यालयों को जिस बात के लिए सैल्यूट करना चाहिए, हमें चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठ करके इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि सीएए का विरोध करें या समर्थन करें, पूरे छात्र सड़कों पर उतर आए और असली विपक्ष बन गए ये कैंपस। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय भी खड़ी और आज दिल्ली विश्वविद्यालय उन सारे आंदोलनों के साथ जुड़ करके अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ दिनों पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने लाठियां खाई है फिर भी अपनी आवाज बुलंद की और आज इतनी बड़ी तादाद में यहां पर खड़े हुए। तो कैंपस इस वक्त इस देश में जमहूरियत को बचाने का असली विपक्ष बना हुआ है। आप उनकी लाइब्रेरी में जाओ, आप आंसू गैस के गोले छोड़ो, आप सामने उनको गोली की धमकी दो, लाठी मारो, लेकिन आज दिल्ली विश्वविद्यालय ने फिर से बात कहे न डरे हैं न तुम्हारे सामने डरेंगे। और कैंपसों को इस तरह से गुलजार देख करके तो सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी जो ऐसा ही कैंपस बनाना चाह रहे हैं। और आखिरी बात कि जब हम लोग लगातार उस प्रतिरोध की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में और देश में जो लोग शासन कर रहे हैं और विश्वविद्यालयों में ज्यादा ताकत में है, उनको भी ये भ्रम तोड़ना होगा कि वो आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। आज बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, हम फिर से उसको याद कर रहे हैं और संविधान के कैंपस के गुलजार, क्योंकि देश में आज तक ये देश जिन लोगों ने धर्म के आधार पर अपना देश बनाया वो बर्बाद हो गए। हमने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नाम पर बनाना चाह रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं तुम आजादी के समय जो माफी मांग रहे थे वही स्टैंड ठीक था। 70 साल में जमहूरियत इतनी मजबूत हो गई है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये संविधान से चला था, संविधान से ही चलेगा। और ये बात समझ लेनी होगी कि पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से हम एक धर्म विशेष को नहीं आने देंगे। अभी हमारे पहले के वक्ता ने बिल्कुल साफ कहा कि पहला निशाना उनका मुसलमान है। आप उनसे नागरिकता पूछ रहे हो, कल को दलितों से कहोगे कागज दिखाओ, आदिवासियों से कहोगे कागज दिखाओ, गरीब हिंदुओं से कहोगे कागज दिखाओ, यानी कि असल में तुम थोड़े से अपर कास्ट हेजिमनी को बनाना चाहते हो और इस देश का बहुसंख्यक दलित पिछड़ा आदिवासी और महिलाएं ये सब ये बात बुलंद कर रहे हैं कि नए सीए चलेगा, नए एनआरसी चलेगा, नए एनपीआर चलेगा और हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये बात बिल्कुल बुलंद यहां से होना चाहिए कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। और पाकिस्तान के शायर को हम बार बार याद करेंगे, पाकिस्तान के शायर जो उन्होंने हबीब जालिब ने उनको शायरी पढ़ते समय जेल ले जाते थे, पुलिस का डर दिखाते थे, फिर भी उसने कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुखो, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसो, बनते हो क्यों तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आज दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र के विचार को हम हरा नहीं देते और इसको बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का, संविधान के सपनों का देश नहीं बना देते। तब तक आप जमे रहिएगा, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सभी को इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।